तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 25th डेरिवेशन करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का, और हमें कैपलर सेकंड लॉ प्रूफ करना है। इस बार dA अपॉन dt इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमने बना चुका है, इसमें प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, और फोर्स जो है वो टूवर्ड्स सन लग रही है, और जो रेडियस है वो भी टूवर्ड्स सन जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो टॉर्क निकालेंगे तो RF साइन 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यूज़ करना है टॉर्क इक्वल टू dL बाई dt। टॉर्क इक्वल टू dL बाई dt होता है, और टॉर्क तो 0 है, इसलिए हम 0 पुट कर देंगे। dL बाई dt अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब L कांस्टेंट है, ठीक है, L इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें कि इसका जो डायग्राम है वो एक छोटा डायग्राम बनाना है हमें, और उसमें एंगल लेना है d थीटा, और आर्क तो एज इट इज है, और रेडियस r है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। d थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इक्वल टू आ जाएगा r इंटू d थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें dA का फॉर्मूला, dA का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर्क इंटू रेडियस, ठीक है। तो dA इक्वल टू आ गया हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि dA बाई dt निकालना है। तो dA बाई dt निकालेंगे तो dA को dt से हमें डिवाइड कर देना है, तो dA बाई dt आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई dt। अब डी थीटा बाई dt होता है ओमेगा, तो आपको मिल जाएगा dA बाई dt इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। अब L इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन m। इस वैल्यू को हमें यूज कर देना है, dA बाई dt आ जाएगा L अपॉन 2m। यहाँ पर L और m तो कांस्टेंट है, इसलिए dA बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस डेरिवेशन को प्रूव कर दिया। इसी तरह हम डेरिवेशन रोज रोज आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।